जी हाँ, बिग बॉस OTT में जहां करण जौहर दिव्या अग्रवाल को पिछले दो संडे के वार में लताड़ लगाते दिखे हैं, तो वहीं अब एक बार फिर से दिव्या अग्रवाल घर में उन सभी आरोपों पर सफाई देती हुई नजर आई हैं। दिव्या अग्रवाल ने अक्षरा सिंह से बातचीत के दौरान करण जौहर के सभी आरोपों पर कहा, मैं खुद को कभी चेंज नहीं करूंगी। दिव्या ने कहा कि करण जौहर कभी उन्हें बोलने नहीं देते। करण जौहर की वजह से वो घर में बहुत सी परेशानियां झेल रही हैं। आगे अपनी बात रखते हुए कंटेस्टेंट ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि सामने कौन खड़ा है, और जो उन्हें बोलना है वो अपनी बात रखेंगी ही। अग्रवाल ने कहा, करण जौहर ने मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर सफर करना पड़ रहा है, फिर मैं क्या करूँ, चिल्लाऊँ क्यों ना बोलूँ, कौन क्या बिगाड़ लेगा। जी हाँ, दिव्या अग्रवाल ने दो टुक कह दिया कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिव्या ने कहा कि वो इस बात से नहीं डरती कि करण जौहर उन्हें घर से बाहर निकलवा सकते हैं। कंटेस्टेंट ने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं काम करना जारी रखूंगी, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और। अपनी बात को साबित करने के लिए दिव्या ने आगे कहा कि तुम बॉलीवुड के राजा हो, तुम्हारे मुंह से जो निकलता है लोग उसे समझते हैं और उस पर भरोसा कर लेते हैं, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो जो मैंने कहा ही नहीं है। वेल, पिछले संडे के वार में करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल से कहा था कि घर के अंदर मेरा नाम मत लेना, लेकिन दिव्या ने एक बार फिर से करण से सीधा पंगा ले लिया है ये कहकर कि कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब देखना ये है कि क्या करण दिव्या की इस बात को नजरअंदाज करते हैं या फिर करण जौहर करते हैं दिव्या अग्रवाल की इस बात पर रिएक्ट, ये तो आने वाले संडे के वार में ही पता चल पाएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।